ओम शांति। ये ओम शांति का एक ही शब्द हमें चार ही सब्जेक्ट की याद दिलाता है। ज्ञान भी आ जाता है इसमें, मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ये ज्ञान की सब्जेक्ट भी आती है और योग भी इसमें है कि मैं शांत स्वरूप हूँ तो शांत स्वरूप माना, शांति में लवलीन हो जाना योग। और धारणा भी है कि मैं शांत स्वरूप हूँ तो अशांति नहीं, न मेरे में न दूसरे को दे सकती। और सेवा भी है, ओम शांति सभी को अर्थ सुनाते हैं और महामंत्र के रूप में ये याद दिलाते हैं तो ये औरों की भी सेवा हो जाती। तो ओम शांति तो सभी को बहुत पक्की हो ही गई है क्योंकि हमारी पहचान इंडिया में तो यही कहते हैं कि ये ओम शांति ग्रुप है, ओम शांति ग्रुप है। तो हमारा परिचय भी शॉर्ट में सभी को ओम शांति ग्रुप के रूप में बहुत सहज आता है। तो हम लोग तो उसमें स्थित रहते ही है क्योंकि बाबा ने, बाबा देखो कितना प्यार है बाबा का, जो बाबा ने हमें परिवर्तन करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं दी क्योंकि बाबा ने देखा है कि ये 63 जन्म जो है वो बहुत मेहनत की, बहुत थक गए हैं, इसीलिए बाबा ने बस सिर्फ 2 काम हमको दिए, ज्यादा नहीं दिए और वो भी बहुत सहज। एक बाबा कहता है याद करो, मुझे याद करो, हर मुरली में आता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। विस्मृति के संस्कार को मिटाने के लिए इतनी ही स्मृति चाहिए, इसीलिए ये भी बाबा का बच्चों से प्यार है कि भूल नहीं जावे, फिर धक्के नहीं खावे, कम पद नहीं प्राप्त करे, ये भी बाबा का प्यार है बच्चों से, इसीलिए बाबा रोज याद दिलाता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा ने एक तो यही कहा है याद करो और दूसरा अपने मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए सेवा करो। फिर सेवा में भी ये नहीं है कि सिर्फ वाचा सेवा है, लेकिन आजकल तो बाबा मनसा सेवा के ऊपर भी बहुत इशारा देता है। तो अपनी किरणाएं फैलाओ, शांति की किरणाएं, सुख की किरणाएं, क्योंकि तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो,